जब आप इनकम टैक्स सर्विसेज में आ गई और आपको राजस्थान में यहाँ आने का मौका मिला, जी इसी दौरान आपके विवाह की भी जी तैयारियां चल रही होंगी? एक्चुअली शायद हम लोग तीन बहनें थे इसलिए हुआ होगा, या जो भी होगा, मैं तो छेड़ती रहती हूँ मम्मी पापा को। लेकिन जैसे ही मैं सर्विसेज में आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब शादी हो जानी चाहिए, और शायद मैं 23 की थी तब, और उन्होंने फटाफट लड़का ढूंढा, अरेंज मैरिज है। और सुबोध मेरे हस्बैंड IAS में हैं, राजस्थान काडर है, तो इसलिए मुझे सबसे पहली पोस्टिंग, फिर वो SDM जयपुर थे तो जयपुर आई मैं। आई वॉज़ वेरी लकी क्योंकि मुझे जयपुर बहुत अच्छा लगा और अभी तक लगता है और हमेशा लगता रहेगा। और तो फिर जयपुर आए सबसे पहले हम, और मेरी जो पोस्टिंग्स हैं, क्योंकि मेरी इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, और हस्बैंड का, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान काडर है काडर है। राजस्थान, तो ज़्यादातर रिक्वेस्ट किया सरकार से, और सरकार ने एडजस्ट भी किया कि राजस्थान में या दिल्ली में, और थोड़े टाइम के लिए गुजरात भी गई थी, और तो यहीं पर चलता यहीं रहा पूरा इधर ही का रहा पूरा। है तो ज़्यादा। जयपुर से एक लगाव जब आप बिल्कुल युवावस्था में जयपुर में प्रवेश किया और आज पूरा आनंद के साथ में जयपुर को लिया और जयपुर एंजॉय के किया, लोगों के साथ में भी आनंद लिया और जयपुर पूरा। से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा है और जयपुर में। जयपुर भी संगीत की नगरी है, यहाँ भी संगीत को एक विशेष बिल्कुल, प्रोत्साहन मिलता है, संगीत का भी आनंद बहुत मिलता शौकीन है, मुझे नहीं मालूम था जयपुर में इतने शौकीन हैं, और कदम कदम पे मिल जाते हैं और है। आपकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। और अच्छी बात ये थी कि आप खुद प्रशासनिक सेवाओं के घर से आई थी और जी फिर आपको प्रशासनिक सेवाओं का घर मिला, आपके जी परिवार में सब प्रशासनिक अधिकारी और आपके पति के परिवार में भी सारे प्रशासनिक जी अधिकारी, ये एक अच्छा संयोग है पूरा जी का उनके छोटे पूरा। भाई भी IAS यस में मैम। हैं, हाँ अब वर्ल्ड बैंक चले गए हैं वो, पर हाँ वो बस एक चांस ही था, बट अच्छा चांस था तो अच्छा रहा।